दोस्तों नमस्कार, मुंगेर यूनिवर्सिटी टुडे इंपॉर्टेंट न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज 3 जनवरी 2023 है और आज की प्रमुख खबर पर हम चर्चा करेंगे। हम बात कर लेंगे यूजी एंड पीजी की एग्जाम जो हो रहा उसको लेकर के एंड अतिथि शिक्षक की साक्षात्कार को लेकर के। तो चलिए इस वीडियो में पूरा पूरा अपडेट आपको मिलेगा, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मेंशन किया गया मुंगेर विश्वविद्यालय में 3 से 6 जनवरी तक अतिथि शिक्षकों का साक्षात्कार किया जाएगा। वहीं पर आपको बताना चाहेंगे मेंशन किया गया 263 अभ्यर्थी जो कि आज से साक्षात्कार में शामिल होंगे। तो यह भी खबरें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष हो जाता है। और वहीं पे थोड़ा सा इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर लेके चलते हैं पेपर कटिंग को। तो यहाँ पे मेंशन किया गया मुंगेर विश्वविद्यालय की ओर से है, अंतिम चरण की अतिथि शिक्षक की साक्षात्कार जो है मंगलवार से शुरू होगा जो कि आज से शुरू हो चुका है। वहीं पे आपको हम बताना चाहेंगे, मेंशन भी किया गया कि सभी प्रकार की तैयारियाँ जो विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से पूरी कर लिया गया। वहीं पर हम बताना चाहेंगे साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है 3 से 6 जनवरी यानी आज से 6 जनवरी तक चलने वाला है, 6 जनवरी 2023 तक, ठीक है। वहीं पर आपको बताना चाहेंगे 3 जनवरी को अंग्रेजी और यहाँ पे देख सकते हैं 4 जनवरी को राजनीतिक शास्त्र, वहीं पे 5 जनवरी को अर्थशास्त्र व 6 जनवरी को प्रथम पाली में बॉटनी व द्वितीय पाली में भौतिक विषय के अभ्यर्थी साक्षात्कार होंगे। तो यह जो अपडेट है आप लोगों और स्टूडेंटों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो यहाँ पे साक्षात्कार के लिए इंटरव्यू के लिए यहाँ पे आने वाले उन तमाम स्टूडेंटों के लिए। वहीं पर हम आपको जानकारियाँ देना चाहेंगे, मेंशन किया गया 9 दिसंबर से 17 अंगीभूत कॉलेजों में 21 विषयों के लिए 245 अतिथि शिक्षक की नियुक्ति को लेकर के साक्षात्कार की प्रक्रिया वो चल रहा, वही हम आपको बताना चाहेंगे। अब तक 2 चरण के लिए 15 विषयों के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण कर ली गई है। तो यह जो अपडेट है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास हो जाता है। वैसे यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक देखना है तो सभी प्रकार के विषयों के बारे में यहाँ पे मेंशन कर दिए गए। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे साक्षात्कार के लिए आए हुए हैं उनको लिए यह अपडेट महत्वपूर्ण हो जाता है। हम आते हैं अगले अपडेट में। तो जैसा कि अगला अपडेट देख पा रहे हैं, मेंशन किया गया पीजी सेमेस्टर 3rd की परीक्षा चल रहा है जो कि आप सभी को पता ही होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ स्टूडेंट वैसे हैं कि अपना एग्जाम को छोड़ पा रहे हैं। तो उनसे निवेदन कि अपना एग्जाम को छोड़िए नहीं और आगे जो भी एग्जाम हो रहा है उसे कंटिन्यू कीजिए। फिलहाल के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ पीजी सेमेस्टर 3 की परीक्षा में 574 पछाते हुए शामिल, जो कि यह अपडेट आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं पे आपको हम बताना चाहेंगे, मेंशन किया गया 2 पालियों में हुई परीक्षा को लेकर के 69 पछाते रहे, देख सकते हैं अनुपस्थित। वहीं पर प्रथम पाली के बारे में यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो यहाँ भी मेंशन किया गया 305 व द्वितीय पाली में 269 ने दी परीक्षा। तो ये जो अपडेट है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास हो जाता है, विशेष हो जाता है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो अगला अपडेट में आते हैं, तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया स्नातक पाठ्यक्रम की ऑनर्स विषय की परीक्षा कदाचार मुक्त हो रहा है जो कि आप तस्वीरों को देख करके समझ गए। वहीं पे हम आपको बताना चाहेंगे इस पेपर कटिंग को और भी थोड़ा जूम करें तो यहाँ पे मेंशन किया गया फगुनी प्रसाद यादव कॉलेज में 2 पालियों में देख पा रहे, मेंशन किया गया कि 10 पछाती रहे अनुपस्थित, जो कि मैं हमेशा से स्टूडेंटों से निवेदन करते आ रहा हूँ कि आप सभी स्टूडेंट अपने एग्जाम को देने के लिए कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, ताकि आपकी परीक्षा ना छूटे। और परीक्षा छूटने का मतलब है कि आपको 1 साल के लिए बैक लग जाना, और यहाँ पे आप लोग प्रमोटेड तो हो ही गए होंगे जो स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम छोड़े हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे आपको अपडेट देना चाहेंगे, मेंशन किया गया स्नातक पाठ्यक्रम की परीक्षा में 2 विद्यार्थियों को भी निष्कासित किया गया। तो उन तमाम विद्यार्थियों के लिए भी ये दुखद खबरें हैं जो कि जिन्हें निकाल दिया गया वो 1 साल के लिए फिर से वो बैक आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो जानकारी मिल रहा है, मेंशन किया गया 19 से 22 का पार्ट 3rd का रेगुलर स्टूडेंट एंड 18 से 21 का बैकलॉग विद्यार्थी पार्ट 3rd की परीक्षा में शामिल है। वहीं पर परीक्षा के 4th दिन 17 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्वक तरीके से एग्जाम को संपन्न करा लिया गया जो कि 2 पालियों में आप सभी स्टूडेंटों का एग्जाम हो रहा है। वहीं पर हम बताना चाहेंगे दोनों पालियों में टोटल यानी 9,802 विद्यार्थी परीक्षार्थी जो है शामिल हुए थे, ठीक है, शामिल होना था। वहीं पे 9,701 विद्यार्थी शामिल हो पाए, आप समझ सकते हैं 101 विद्यार्थी जो है परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे। वहीं पे हम आपको बताना चाहेंगे, मेंशन किया गया ध्यानपूर्वक देखिएगा द्वितीय पाली में ग्रुप बी, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ मेंशन कर दिया गया कौन से ग्रुप की एग्जाम होने वाला, और यहाँ पर यह भी बताया गया कि कितने स्टूडेंट एग्जाम हॉल में शामिल होने थे और कितने स्टूडेंट शामिल हुए और कितने स्टूडेंट जो है जो एबसेंट रहे। तो यानी 65 यहाँ पर बताया गया, टोटल जोड़ करके यहाँ पर 101 विद्यार्थी है जो कि परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे। तो यह अपडेट आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज की जो भी परीक्षाएं आप लोग तो एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश कर ही गए होंगे, एग्ज़ाम देने के लिए पहुंचे गए होंगे, और हम हमेशा से आपको बोलते आ रहे हैं कि आप अपनी परीक्षा को कंटिन्यू कीजिए। एग्ज़ाम प्रोग्राम को लेकर के हम पहले ही अपडेट आप सभी को दे ही चुके हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम हॉल पर सही समय पर पहुँचे और एग्ज़ाम देने का प्रयास करें। वहीं पर आपको बताने वाला हूँ कि ग्रुप बी
में शामिल विषयों के पेपर पेपर सात में 6752 स्टूडेंट मतलब शामिल हुए हैं, 6600 देख सकते हैं 87 परीक्षार्थियों में से। तो यह जो अपडेट है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास हो जाता है, और वहीं पे बताना चाहूँगा यहाँ पे मेंशन भी किया गया, शांतिपूर्वक माहौल में एग्जाम को कंडक्ट करा लिया गया, परीक्षा को संपन्न करा लिया गया। अब देखने वाली बात है कि कितने स्टूडेंटों का एग्जाम अच्छा गया या फिर खराब गया, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कर दीजिएगा। और क्या एग्जाम हॉल में एग्जाम थोड़ा टाइट लिया जा रहा है या फिर थोड़ा बहुत छूट दिया जा रहा है, आप लोग मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा, ताकि उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को भी जो है एक दूसरे के बारे में पता चल जाएगा कि किस सेंटर में किस तरीके के मतलब जो बंदोबस्त किए गए परीक्षाएं ली जा रही है। ठीक है, तो आपको यह वीडियो आज की डेट की जो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने परीक्षा हॉल में प्रवेश कर चुके होंगे, परीक्षा को आसानी से बेहतर तरीके से दे पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।